Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Assalamu alaikum. I am Muhammad Javed, and today we have topic function passing object as a function parameter. So let's start the topic. Object can also be passed as a parameter to member functions. So हम object को pass कर सकते हैं as a arguments के तौर पर function को. अभी तक हम function को pass कर रहे थे normal values, जैसे कोई variable हो गया, कोई constant हो गया, even ये कि कोई pointer भी pass कर सकते थे. लेकिन अब बात करते हैं किसी की object की. So object भी as a parameter के तौर पर जा सकता है किसी function को. When an object is passed as an argument to a member function, then the name of object is written in the argument. जब object को parameter के तौर पर pass किया जाता है, argument के तौर पर pass किया जाता है function को, तो याद रखिए brackets में उस object का नाम लिखा जाएगा जो कि pass होगा. यानी जब argument हम लेंगे तो उस object का नाम लेंगे जो हमने pass करना है. The number of parameters and their types must be defined in the function to which object is to be passed. So, जो function इस object को receive करता है, यहाँ पर हमने number of parameters उनके type mention करने हैं. ठीक है जी, यानी जिस function को ये object आएगा, तो उसके parameter में हम receiver mention करते हैं और इनके type भी mention करते हैं कि जी एक receiver आ रहा है, दो आ रहा है, इनके type क्या है. The object that are passed are treated local for the member function. जब object उस function को pass कर दिया जाता है और जब control उस function से निकलता है, तो याद रखिए यहाँ पर जो object बना हुआ है ये destroy हो जाता है. यानी ये object locally है. जब तक control इस function में है, object भी active है, alive है, लेकिन जो ही control यहाँ से निकल गया, object memory से उड़ जाता है. These objects are destroyed when the control returns to the calling functions. और अभी जो थोड़ी देर पहले मैंने बता दिया कि जब control यहाँ से निकल के main की तरफ जाता है, जहाँ पर इनको call किया गया था, तो ये object memory से उड़ जाते हैं. एक example है, इसकी मदद से समझने की कोशिश करते हैं कि ये एक object किस तरह as a argument के तौर पर pass होता है किसी function को. Class क्या है? Hello है. Private, दो data member है, एक का नाम क्या है? A है, दूसरे का नाम क्या है? B है. Public, hello, constructor मैंने लिया, और A में assign हो गया क्या? 0. B में assign हो गया क्या? 0. तो जब भी object बनेगा, hello, constructor call होगा, A और B को 0 assign कर देगा. Void, get data मैंने लिया, enter first value for A, enter second value for B. A और B के लिए value pass हो जाती है, और C in की मदद से A में value store की और B में value store हो जाती है. यानी get data का function काम क्या है कि run time value लेना A और B के लिए. फिर show data का एक function है जो कि क्या करेगा, C out new line पर A और A की value को display करेगा, फिर C out new line B और B की value को display करेगा. ठीक है जी. Void add hello P, इसको थोड़ी देर बाद discuss करते हैं जब हम वहाँ पर आते हैं main की तरफ. ठीक है जी, वहाँ से इसके साथ पर connect कर देंगे क्योंकि ये हमारा main focus है. यहाँ पर main में आते हैं. अब देखो काम की बातें शुरू की. हेलो का एक ऑब्जेक्ट बन गया OBJ1 नाम से, और दूसरा ऑब्जेक्ट बन गया किस नाम से? OBJ2 नाम से. इन सपोज हम जरा यहाँ पर डायग्रामेटिकली बनाने की कोशिश करते हैं. एक ऑब्जेक्ट का नाम क्या हो गया? OBJ1. दूसरे का नाम क्या हो गया? OBJ2. अच्छा, OBJ1 का फंक्शन कॉल होगा गेट डेटा, एंटर वैल्यू फॉर ए, एंटर वैल्यू फॉर बी. सपोज ए का जो वेरिएबल है और बी का जो वेरिएबल है. ठीक है, सपोज हमने एंटर वैल्यू फॉर ए दे दी 1 और एंटर वैल्यू फॉर दी बी दी 2. सो ए विल स्टोर इन 1, ए में 1 स्टोर हो जाएगा
और बी में क्या स्टोर हो जाएगा, टू, यानी ए यहाँ पर स्टोर हो जाएगा और बी यहाँ पर स्टोर हो जाता है, वन ए में और टू बी में स्टोर हो जाता है। फिर शो डाटा की मदद, ओबीजे वन डॉट शो डाटा, ये ए और बी की वैल्यू शो कर देगा, यानी ओबीजे वन में ए में क्या है और ओबीजे वन बी में क्या है, शो डिस्प्ले कर देगा। फिर ओबीजे टू डॉट गेट डेटा का फंक्शन कॉल हो जाएगा, सपोज हम यहाँ पर देते हैं थ्री, सॉरी और फोर देते हैं, सो थ्री और फोर, यहाँ पर जो ए है ए विल होल्ड, क्या होल्ड करेगा ये, एंड बी विल होल्ड व्हाट, फोर, राइट। सो ओबीजे वन के ए बी में क्या है, वन टू है, और ओबीजे टू के ए बी में क्या है, थ्री एंड फोर है। ओबीजे टू ग्रिड शो कंफर्म कर देगा क्या क्या विद स्टोर है, राइट। फिर ओबीजे टू डॉट शो डेटा स्टोर कर देगा। अब देखो ये इट्स मेन, इस पर हमने काम करना है, इट्स आवर मेन पॉइंट। ओबीजे वन डॉट एड और पेरेंट्स में क्या, ओबीजे टू। अब देखिए ओबीजे वन का कौन सा फंक्शन कॉल हो रहा है, एड का फंक्शन कॉल हो रहा है, राइट, इट्स अ कॉलिंग, ये कॉल हो रहा है और हम इसको यहाँ पर कॉल कर रहे हैं, किस फंक्शन को, और इसको पास कर रहे हैं क्या, ओबीजे टू। अब देखिए यहाँ पर ये एड का फंक्शन है, हेलो पी, ओके जी, हेलो पी, ओबीजे जो हमारे पास है, ये जो फंक्शन दिस वन ओबीजे टू दिस वन, ये आएगा किसको, ये आएगा किसको, पी को, यानी एक और हमारे पास ऑब्जेक्ट बन जाएगा हेलो का, उसका नाम क्या होगा, पी, एंड पी विल मेंटेन द वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ टू, यानी ओबीजे टू की जो डेटा मेंबर्स होंगे यहाँ पर जाते, सपोज ये ए एंड बी, ए में क्या होगा थ्री, राइट, बी में क्या होगा फोर, ओके ये वैल्यू कहाँ से आ गई, ओबीजे टू में आ गई, यानी ओबीजे टू की वैल्यू पी में स्टोर हो गई। कंट्रोल यहाँ पर आएगा, हेलो का एक और ऑब्जेक्ट बन जाएगा किस नाम से, टेम्प नाम से, नाउ वी हैव फोर्थ वन ऑब्जेक्ट विच इज अ कॉल्ड टेम्प, एंड टेम्प वी हैव ऑल्सो व्हाट ए एंड बी, फॉर द टाइम बीइंग ए विल मेंटेन जीरो बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्टर कॉलिंग, ए में क्या होगा जीरो होगा, बी में क्या होगा जीरो होगा, क्यों, कंस्ट्रक्टर की मदद से, ओके जीरो एंड जीरो। नीचे आते हैं इस लाइन पर, टेम डॉट ए, टेम डॉट ए में असाइन कर दो, ऐड कर दो क्या, ए प्लस पी डॉट ए, पी डॉट ए में क्या पड़ा हुआ है, पी डॉट ए में थ्री पड़ा हुआ है, पी डॉट ए में क्या है थ्री। अब ये ए कहाँ से आएगा, याद रखिए ये कॉलिंग ऑब्जेक्ट का है, किसका, कॉलिंग ऑब्जेक्ट का, देखिए जरा मैं आपको दिखा देता हूँ, ये ओबीजे वन इसका ए है, इट्स अ कॉलिंग, सो इसके ओबीजे वन के ए में क्या पड़ा हुआ है, ओबीजे वन के ए में वन पड़ा हुआ है, क्या वन, सो वन यानी ये वन है, इट्स अ वन, और ये क्या है थ्री है, सो वन पर प्लस थ्री क्या हो जाएगा फोर हो जाएगा, और टेम में क्या स्टोर हो जाएगा, टेम के डॉट ए में फोर स्टोर हो जाता है, राइट। इस तरह पी डॉट बी, पी डॉट बी में क्या है फोर है, फोर, और बी किसका है, कॉलिंग का है, यानी हमारे पास जो कॉल हो रहा है कौन सा, ओबीजे वन, सो ओबीजे वन के बी में क्या है, ज़रा देखते हैं, ओबीजे वन के बी में है टू, ओबीजे वन की बी में क्या है टू है,
सो ओबीजे वन के बी में आते हैं टू, और पी डॉट बी में क्या है फोर है, सो टू प्लस फोर क्या हो जाएंगे सिक्स हो जाते हैं, और सिक्स किस में स्टोर हो जाएगा टेम डॉट बी में, यानी यहाँ पर सिक्स स्टोर हो जाएगा। ओके जी, सो देखो हमने ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को यहाँ पर क्या कर दिया, रिसीव कर दिया, और फिर एक और ऑब्जेक्ट डाल बना दिया एक टेम ऑब्जेक्ट, और मैंने दोनों की ऐड कर दिया। फिर हम डिस्प्ले करवाते हैं टेम डॉट ए, टेम डॉट ए में क्या पड़ा हुआ है फोर, और टेम डॉट बी में क्या पड़ा सिक्स। सो दोनों ऑब्जेक्ट की वैल्यू हमने यहाँ पर ऐड कर दी है। ठीक है जी, ये थोड़ा सा और व्यू था, नीचे आके देखिए इसका आउटपुट ज़रा देखते हैं। अब देखिए इंटर वैल्यू फॉर, इंटर फर्स्ट वैल्यू फॉर ए जो कि ऑब्जेक्ट वन का है ए, इंटर सेकंड वैल्यू फॉर बी टू, यहाँ पर आ गया। ठीक है जी, ये ए ए की वन और बी की टू वैल्यू जो कि ओबीजे वन की है। फिर इंटर फर्स्ट वैल्यू फॉर ए ये कि ओबीजे टू के लिए पूछ रहे। ठीक है जी, ये देखो थ्री, दिस इज थ्री राइट, और फिर यहाँ पर इंटर वैल्यू फॉर बी फोर। सो इन दोनों का ताल्लुक किस से है, इन दोनों का ताल्लुक ओबीजे टू से है। सो ये ओबीजे टू की वैल्यू देखें। ठीक है जी, थ्री एंड फोर, फिर देखें ये डिस्प्ले भी हो गई। फिर इसके बाद जब हमने इसको कॉल किया ओबीजे वन डॉट ए, देखो ये टोटल ऑफ फोर किसको ऐड किया, वन इन थ्री को ऐड हो गया राइट, फिर सिक्स टू एन फोर को ऐड किया। क्लियर जी, इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं क्या होता है। अच्छा, टाइम बचाने के लिए मैं क्या करता हूँ कि वीडियो लेंथी ना हो, मैं इसको पॉज कर देता हूँ वीडियो को। ओके जी, हमने कोड कर दिया है, इसको पहली फुर्सत में क्या करते सेव करते, फर्स्ट अटेम्प आप ये होना चाहिए कि सेव द फाइल, कोशिश करें मीनिंगफुल नाम इसको दिया करें। सो किस पर्पस के लिए, पासिंग ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर, स्पेस मत दिया करें, अच्छा पासिंग ऑब्जेक्ट एज पैरामीटर। हाई स्ट्रीम यूजिंग नेम स्पेस एस टी डी क्लास हेलो प्राइवेट इंट ए कामा बी पब्लिक हेलो का कंस्ट्रक्टर ए और बी को जीरो साइन गेट डेटा एंटर फर्स्ट वैल्यू फॉर ए सी इन ए एंटर सेकेंड वैल्यू फॉर बी सी इन बी शो डेटा का फंक्शन सी आउट ए और ए की वैल्यू सी आउट बी और बी की वैल्यू। फिर हमारे पास एट का फंक्शन, ठीक है जी, वैल्यू पैरामीटर रिसीव करेगा एज अ क्या ऑब्जेक्ट रिसीव करेगा, क्योंकि यहाँ पर डेटा टाइप ने क्या दिया क्लास दिया है, तो एक ऑब्जेक्ट बन गया है पी और इनके वैल्यूज को इनके ऐड कर दिया। ठीक है, जरा इसको देखते रन करके देखते हैं। सपोज दे रहा हूँ क्या वन, आप कोई भी वैल्यू इंटीजर वैल्यू दे दें, टू दे रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट वन की ए और बी की वैल्यू, अब जो इस दफा वैल्यू दे रहा हूँ ये ऑब्जेक्ट टू के लिए, टू के लिए थ्री दे रहा हूँ और फोर दे रहा हूँ ऑब्जेक्ट टू के लिए। देखो ये थ्री और फोर और यहाँ पर ये ऐड हो गए, ए की वैल्यू क्या है सिक्स और बी की वैल्यू, ए की वैल्यू फोर और बी की वैल्यू सिक्स, इन दोनों किसने ऐड किया। ओके जी, सो कोई क्वेश्चंस है कोई क्यूरी है आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो मेरे दी हुई ईमेल आईडी पर, सेल नंबर पर। थैंक यू जी।